पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब ऑन लीडर्स एंड आइकन्स में मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। बात बंटवारे से कुछ साल पहले की है। नैयर उन दिनों लाहौर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। एक रोज़ कॉलेज में जिन्ना का भाषण रखा गया, लेकिन इस फंक्शन में सिर्फ मुसलमान स्टूडेंट्स को बुलाया गया। आखिरी समय में जब आयोजनकर्ताओं को लगा कि मुसलमानों से सीटें नहीं भर पाएंगी, तो उन्होंने हिंदू छात्रों को भी बुलाया। नैयर भी इनमें से एक थे। जिन्ना ने अपने भाषण को पूरा किया। अब बारी सवाल जवाब की थी। नैयर ने जिन्ना से सवाल पूछा, अगर हिंदू मुसलमान के बीच इतनी दुश्मनी है कि वो एक देश में नहीं रह सकते, तो पाकिस्तान बनने के बाद क्या गारंटी है कि वो मिलकर रह पाएंगे? इस पर जिन्ना ने एक आश्चर्यजनक जवाब दिया। जिन्ना ने जर्मनी और फ्रांस का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सैकड़ों सालों की दुश्मनी रही है, लेकिन अब उनके बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान और भारत के संबंध भी अच्छे होंगे। नैयर ने एक और सवाल पूछते हुए कहा, अगर कोई तीसरा देश भारत पर आक्रमण करेगा तो पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन होगा? जिन्ना का जवाब इस पर भी हैरान करने वाला था। वो बोले, दोनों देशों के जवान कंधे से कंधा मिलाकर तीसरी ताकत के खिलाफ लड़ेंगे। याद रखो, जवान लड़के खून पानी से गाढ़ा होता है। खून पानी से गाढ़ा था, लेकिन मिट्टी से नहीं। बंटवारे को हुए 3 महीने कि जिन्ना ने कश्मीर के ज़मीन हथियाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। कबीलाई भेष में पाकिस्तान के जवान कश्मीर में दाखिल हुए और खूब तबाही मचाई। इसी लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा ने वीरगति को प्राप्त किया और परमवीर चक्र पाने वाले वो पहले जवान थे। क्या थी मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम। कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1947 से। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास एक टेलीग्राम आया जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर इस्माइल खान ने भेजा था। टेलीग्राम में इस्माइल ने नेहरू को आगाह करते हुए लिखा कि हथियारबंद कबीलाइयों का एक जत्था पाकिस्तान बॉर्डर पार करके आने वाला है और इसके लिए पाकिस्तान सरकार उन्हें ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करा रही है। सरकार खामोश रही। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि इसलिए नेहरू को लगा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। इसके ठीक 2 हफ्ते बाद अफरीदी महसूद वजीर स्वाथी कबीलों के लोग और उनके साथ भेष बदलकर पाकिस्तानी फौज कश्मीर में दाखिल हुई। 22 अक्टूबर की रात इन लोगों ने मुजफ्फराबाद में खूब तबाही मचाई। उरी पर कब्जा करने के बाद ये लोग मोहरा पहुंचे, श्रीनगर से मात्र 50 मील दूर। यहां से पूरे श्रीनगर को बिजली पहुंचती थी। कबीलाइयों ने मोहरा का पावर स्टेशन उड़ा दिया। नतीजा हुआ कि पूरा श्रीनगर अंधेरे के आगोश में डूब गया। अब तक जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के विचार बदल चुके थे। 25 अक्टूबर के दिन वीपी मेनन कश्मीर पहुंचे और महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सैम मानेकशॉ जो तब आर्मी में कर्नल होते थे, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मानेकशॉ बताते हैं, नेहरू संयुक्त राष्ट्र, रूस, अफ्रीका, न जाने किन किन की बात कर रहे थे। तभी पटेल को गुस्सा आ गया और वो बोले, जवाहरलाल क्या तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं चाहिए? नेहरू ने जवाब दिया कि हाँ चाहिए। पटेल ने तब कहा कि तो सेना को ऑर्डर दो। प्रधानमंत्री नेहरू ने ऑर्डर दिया और अगली सुबह पालम से भारतीय जवानों का पहला जत्था श्रीनगर की ओर उड़ चला। एस के सिन्हा जो आगे जाकर 2003 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने, तब सेना में मेजर होते थे। लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हुई, मेजर सोमनाथ शर्मा से, जो 4 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी को लीड कर रहे थे। उनके बाजू पर प्लास्टर चढ़ा था। सिन्हा बताते हैं कि शर्मा उस रोज बहुत मायूस थे। हाथ में प्लास्टर के चलते उन्हें एक्टिव ड्यूटी पर नहीं भेजा जा रहा था, क्योंकि उनकी कंपनी को एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। सिन्हा ने उन्हें समझाया कि भारत और कश्मीर के बीच ये एयरपोर्ट एकमात्र लिंक है, इसलिए इसकी सुरक्षा का जिम्मा बहुत बड़ा है। सिन्हा लिखते हैं कि उनकी बात सुनकर भी मेजर शर्मा की मायूसी दूर नहीं हुई। वो किसी भी तरह एक्टिव ड्यूटी पर जाना ही चाहते थे, मतलब फ्रंट लाइंस की तरफ। मेजर सोमनाथ शर्मा की पैदाइश 31 जनवरी 1923 को हुई थी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। उनके पिता जनरल A.N. शर्मा आर्मी मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुए थे। आर्मी में रहते हुए उन्हें अधिकतर घर से बाहर रहना पड़ता था, ऑब्वियसली। इसके चलते सोमनाथ का अधिकतर बचपन अपने नाना पंडित दौलत राम के साथ बीता। नाना उन्हें गीता के श्लोक सुनाकर उसका मतलब समझाते रहते। 10 साल की उम्र में सोमनाथ को रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून में भर्ती कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की, जहां से वो लेफ्टिनेंट बनकर बाहर निकले और 8/12
19 हैदराबाद इन्फेंट्री रेजिमेंट में कमीशन हुए। सोमनाथ के मामा कृष्णदत्त वासुदेव भी इस रेजिमेंट का हिस्सा होते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी बहादुरी की बदौलत रेजिमेंट के हजार जवानों की जान बची थी, इसलिए पूरी रेजिमेंट में उनका बहुत नाम था। सोमनाथ ने भी अपने मामा के नक्शे कदम पर चलते हुए बर्मा थिएटर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें लीड कर रहे थे के एस थिमैया, जो आगे चलकर भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। इस जंग का एक किस्सा है। एक रोज सोमनाथ शर्मा के अर्दली बहादुर को युद्ध में बुरी तरह चोट लगी। शर्मा की कंपनी को पीछे कैंप की तरफ लौटना था और उनका अर्दली चलने की हालत में नहीं था। शर्मा ने उसे अपने कंधे पर उठाया और कैंप की तरफ चल निकले। कर्नल थिमैया को जब पता चला कि उनका एक अफसर पीछे छूट रहा है, तो उन्होंने कहा, शर्मा उसे वहीं छोड़ो और आगे जल्दी बढ़ो। इस पर सोमनाथ ने जवाब दिया, सर, ये मेरा अर्दली है, मैं इसे पीछे नहीं छोड़ सकता। शर्मा कई किलोमीटर अपने कंधे पर उसे उठाए चलते रहे और इसे कैंप तक पहुंचाया, जिसके चलते उसकी जान बची। शर्मा को अपनी इस बहादुरी के लिए इस युद्ध में मेंशन इन डिस्पैच सम्मान मिला। अक्टूबर 1947 में जब चार कुमाऊं को श्रीनगर जाने का आदेश मिला, मेजर सोमनाथ शर्मा के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था, फिर भी वो जिद करके श्रीनगर पहुंचे और अपनी टीम को लीड किया। श्रीनगर जाने से पहले आखिरी रात उन्होंने दिल्ली में मेजर के तिवारी के साथ बिताई। तिवारी और वो अब तक की जंगों में साथ लड़े थे, लेकिन इस बार मेजर सोमनाथ को अकेले जाना था, इसलिए सोमनाथ ने उनसे कहा कि वो उनकी एक यादगार अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मेजर तिवारी ने तब कहा कि कमरे में जो भी है उसमें से तुम जो चाहो ले जाओ। मेजर सोमनाथ खड़े हुए और कमरे में बनी अलमारी को देखा और उसमें रखी एक पिस्तौल उठा ली। ये एक जर्मन मेड पिस्तौल थी जो मेजर तिवारी को बहुत प्रिय थी, फिर भी उन्होंने मेजर सोमनाथ को उसे अपने साथ ले जाने दिया। मेजर सोमनाथ जब श्रीनगर में लैंड करते हैं, चीजें तेजी से बदल रही थी। 3 नवंबर तक कबीलाई बडगाम पहुंच गए थे, जो श्रीनगर एयरपोर्ट से बिल्कुल करीब था। ब्रिगेडियर प्रदीप सेन ने मेजर शर्मा की अगुवाई में 100 जवानों को बडगाम के लिए रवाना किया। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे बडगाम के एक गांव में 700 कबीलाइयों ने हमला किया। मेजर शर्मा को पता था कि ये आखिरी मोर्चा है, अगर यहां उन्होंने कबीलाइयों को नहीं रोका तो वो जल्द ही श्रीनगर एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, जिस पर कब्जे का मतलब था कश्मीर और भारत का आखिरी लिंक टूट जाता। मेजर शर्मा और कबीलाइयों के बीच ताकत में 1:7 का अंतर था, यानी कि एक सैनिक हमारा तो 7 आक्रमणकारी। उन्होंने ब्रिगेडियर सेन को और मदद भेजने का संदेश भेजा, लेकिन मदद आने में अभी देर थी और तब तक कबीलाइयों को रोके रखना था। उनका आखिरी वायरलेस मैसेज था, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है, हमारी संख्या काफ़ी कम है, हम भयानक हमले की जद में हैं, लेकिन हमने एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ी है, हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। मेजर शर्मा के हाथ में प्लास्टर लगा था, इसके बाद भी वो खुद मैगजीन रिलोड करते रहे ताकि उनकी फायर पावर में कमी न आए। चार कुमाऊं के जवानों ने कबीलाइयों को 6 घंटे तक रोके रखा, जो अंत में निर्णायक साबित हुए। 6 घंटे बाद जब मदद पहुंची, तब चार कुमाऊं के जवानों ने 200 से ज़्यादा कबीलाइयों को मार गिराया था। हालांकि इस लड़ाई में उनके बहुत से साथी भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन उन्होंने कबीलाइयों को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसी जंग में मेजर शर्मा भी वीरगति को प्राप्त हुए। एक मोर्टार शेल लगने से उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए थे। पूरे 3 दिन बाद जब मेजर सोमनाथ के पार्थिव शरीर के अवशेष मिले, तो उनकी पहचान उसी पिस्तौल के होल्स्टर के चमड़े से हुई थी जो उन्हें मेजर तिवारी ने दिया था। बताते हैं कि उनकी यूनिफॉर्म की जेब में गीता के कुछ पन्ने भी थे, जिन्हें वो हमेशा अपने साथ रखते थे। इस जंग में वीरता दिखाने के लिए मेजर शर्मा को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। हालांकि जब वो जिंदा थे तब वीर चक्र नहीं होते थे, बल्कि विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था। श्रीनगर रवाना होने से पहले आखिरी रात दिल्ली में उन्होंने अपने दोस्त से कहा था, या तो मैं मरकर विक्टोरिया क्रॉस हासिल करूंगा या फिर आर्मी का चीफ बनूंगा। इत्तेफाक देखिए कि उनके छोटे भाई वीएन शर्मा 1988 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक जरूरी सूचना आप लेते जाइए, लेकिन ललन टॉप अपने दर्शकों के लिए लाया है एक नया और विशेष प्रोग्राम। डाउनलोड कीजिए ललन टॉप ऐप और रोज रात 9 बजे खेलिए ललन टॉप क्विज, जिसमें न सिर्फ क्विज जीतने का मजा है बल्कि इनाम जीतने का मौका भी। ध्यान दीजिए, क्विज सिर्फ ऐप पर ही उपलब्ध है, तो डाउनलोड करना ना भूले। दी ललन टॉप ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर दोनों पर ही उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा। तारीख का आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।